माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम माफिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तति दायरतिल वजूद साहिबे लवाइल हम्दे वल मकामिल महमूद अल खातिमु लिमा सबक वल फातिहु लिमन अलक अल मौलिन लहक बिल हक आबिल कासिम महम्मद। فعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين فلعنة الله عليهم من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله يا فاطمة إِنَّكِ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ صَلَوَاتُ تمام تر تعریف و توصیف اس خداوند متعال کے لیے اس رب العزت کے لیے اس ذات واجب کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی جان ہے जिसने जिंदगी भी दी है और जो मौत भी देने वाला है। वो रहमान, वो रहीम, वो जाते मालिक, वो पालनहार, वो परवरदिगार, वो राज़िकुल मुल्क, वो तमाम कायनात का रिज़्क़ अता करने वाला, जिसकी हम्द व सना तमाम फरिश्तों पर वाजिब, जिसकी हम्द व सना तमाम मलक पर वाजिब, जिसने तमाम जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उस खुदावंदे मुताल का प्यारा हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम, आप अपनी बेटी की फजीलत को दुनिया में जाहिर करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, या फातिमता इन्नकी सैयदता निसाइल आलमीन। ए फातिमा, आप तमाम आलम की निसाओं पर, तमाम आलम की ख्वातीनों की सरदार हैं। अजीजम, इसी मौजू के तहत चौथी मजलिस है आज। फातिमा जहरा की फजीलत को बयान करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, जिसकी हम्द और सना खुद पाक परवरदिगार आलम करता हो। कुरान में सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर है, लेकिन सूरह कौसर के मुकाबले में कोई सूरा है ही नहीं। सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा, लेकिन अपने माने में, मफ़हूम में इस कदर बुलंद बाला है कि कोई भी सूरा उसके मुकाबले में आ ही नहीं सकता। ये फजीलत जहरा को खुदा ने कुरान से आया किया है, कुरान से जाहिर किया है कि अगर कोई इंसान नाउज़बिल्ला सुमन नाउज़बिल्ला रसूल की बात पर अमल न करे, अहले बैत पर अमल न करे, तो वह कुरान पर अमल करके सैयदा की मंजिलत को समझ ले, क्योंकि शहजादी कौनैन वो शहजादी का नाम है कि जिसने तमाम औरतों को, तमाम कायनात को जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया है। वो शहजादी कौनैन कि जिसकी दुआओं ने इंसानों को मर्तबे वाला बना दिया। अगर कोई बीबी की सवाना उम्री देखे, शहजादी की लाइफ पढ़े, तो खुदा की कसम हर चीज में हमारे लिए कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। और शहजादी पाक परवरदिगार आलम की तरफ से हर शह के लिए एक ऐसा तोहफा है कि जिसने सैयदा की मार्फत पाली, आया उसने तमाम आलम की मार्फत पाली। क्योंकि छठे इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं,
कि मेरी जद्द माजदा वो है कि जिनके इर्द गिर्द मार्फत चक्कर लगाती है। अल्लाहु अकबर। मार्फत जिसका तवाफ करे मोहम्मद की शरीयत में उसे फातिमा कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। किताब सईफतु जहरा से, जिशान हैदर जवादी साहब की किताब से हम मुस्तकिल बीबी की दुआओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज दुआ का चौथा हिस्सा आपके सामने पेश कर रही हूँ। बीबी इरशाद फरमाती हाथों को बुलंद करके वलकद्दो फिल गना वल फकर, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ फकीरी व अमीरी में मियाना रवि की। अल्लाहु अकबर। शहजादी बता रही है अमीरी हो या फकीरी हो, सैयदा मियाना रवि यानी दरमियानी रास्ता अख्तियार करने की दुआ मांग रही है। फिर उसके बाद इसी दुआ की किताब का एक हिस्सा मैं आपके सामने बयान करूं। शहजादी इरशाद फरमा रही है, ऐ अल्लाह ऐ कायनात के परवरदिगार, ऐ दाना और बीना, ऐ आलम के पैदा करने वाले माबूद। देखिए शहजादी के मामले का सलीका देखिए। शहजादी फिर कहती है, मुझे उन कामों में मशगूल न कर जो काम मुझे जेब नहीं देता। उन कामों में मशगूल कर, उन कामों के लिए फारिग कर कि जिसके लिए तूने मुझे पैदा किया, खल्क किया, बेमकसद कामों में मुझे न लगा। अजीजम, अब यही सवाल उठता है कि शहजादी की इस दुआ के सदके में हम क्या मांगे। बीबी क्या कह रही है, बेमाने कामों में मुझे न लगा जो मुझे जेब नहीं देती। अब अजीजम छोटी सी मिसाल, हम अली के चाहने वाले जहरा की कमीजें अपने आप को समझती हैं। ये और बात है कि जहरा ने कभी हमसे नहीं कहा कि तुम मेरी कमीज हो, लेकिन मैं तो समझती हूँ ना अपने आप को कमीज जहरा। तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा पावर, कौन सा ऐसा किरदार, कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जिससे सैयदा राजी हो। बीबी कहती है, बेमानी चीजों में वक्त जाया न करो, बल्कि खुदा ने शहजादी क्या कह रही है, वो काम में मशगूल न कर रहा मुझे कि जिसमें जो मुझे जेब नहीं देता, बल्कि उस काम में मुझे लगा दे कि जिसके लिए तूने मुझे खल्क किया है। अब अगर हम कुरान से पूछे कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों को क्यों खल्क किया, तो कुरान आवाज देगा कि मैंने तमाम जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह क्या कह रहा है, इबादत करो। तो अजीजन इबादत दिन रात तो कोई नहीं कर सकता। मैं नमाज भी तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी ने बंदूक रखी हो कंधे पर, बिल्कुल जल्दी जल्दी खत्म करना है। नमाज हमारी तीन रकत नमाज 2 मिनट में हो जाती है, ईशा की नमाज 2 मिनट में। अल्लाह हू अकबर क्या पढ़ रहे हैं हम, यानी न माना न मफ़हूम न पढ़ने का सलीका न मखरज न कोई, यानी कोई बात ही नहीं, बस पढ़ रहे हैं नाउज़बिल्लाह सुम्मा नाउज़बिल्लाह। अल्लाह का एहसान जो कर रहे हैं नमाज पढ़ के, उसके वाजिब को पूरा कर रहे हैं। अजीजम हमारे जैसे गुनाहगार उसकी बारगाह में कोई माने नहीं रखते, उसके पास तो फरिश्ते हैं, मलक है उसका सजदा करने के लिए। ये नमाज भी हमारे लिए है, ये इबादत भी हमारे लिए है। हर इबादत का मेराज, हर इबादत और हर नमाज प्रॉफिट चाहिए इंसान को, मुनाफा। जिस चीज में मुनाफा होगा ना वही कर सकती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं कर सकती हूँ। भाई आपने देखा होगा जाकिरीन आपा लोग अमल बताते, अमल के साथ ये भी बताते ये काम करने से ये होगा, ये काम करने से ये होगा। मैं भी पहले बताती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा दिगर आपाओं ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अमल देना शुरू कर दिए, तो नादिरा वैदी रास्ता दिखाकर पीछे हट जाती है कि भाई आप सब बता रहे हैं तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं फजाइल अहले बैत ही आपके सामने पेश करती रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखों का मजमा है, हर चीज इंसान को पता होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ला इल्मी सबसे बड़ा गुनाह है,
इल्म होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज का इल्म महारत हासिल करें आप। और उम्र अगर आपने कुरान का इल्म ले लिया तो आप कभी भी गुमराह नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान राह नजात का जरिया है। मोहम्मद ने कहा ना, रसूल ने कहा, आखिरी नबी का फरमान, दो बड़ा अदरे चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत और एक कुरान। जो दोनों से तमस्सुक रखेगा, जो दोनों को पकड़े रखेगा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। सलवात भेजे मोहम्मद। शहजादी फरमा रही है, वो काम करने में मुझे मशगूल न कर जो मुझे जेब नहीं देती। अल्लाह अकबर। आज अगर हम अपने आप को देखें तो कितने ऐसे काम करते हैं हम जो हमें जेब नहीं देती। हम अली के चाहने वाले, क्या जरूरत है किसी से हसद रखने की, क्या जरूरत है किसी की बुराई करने की, ये जेब देता है हमें। एक जबान से हम कह रहे हैं, इकरार अली इब्न अबी तालिब विलायत अली का इकरार कर रहे हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, हमारा दिल अली के नूर से पुर नूर है, अहले बैत की मवद्दत में हम जी रहे हैं। कब कहा है अहले बैत ने कि तुम किसी से हसद रखो, कब कहा है अहले बैत ने तुम किसी की बुराई करो, कब कहा है अहले बैत ने कि तुम किसी पर बहतान लगाओ, इल्जाम लगाओ। जेब देती है हमें ये सब बातें, किसी पे भी कुछ भी कह देना, ये नहीं देखना ये हमसे बड़ा है या छोटा है। याद रखिए अजीजम, अपने से छोटों से मोहब्बत से पेश आना और अपने बड़ों की इज्जत करना, ये मासूमीन का रवैया रहा है। और हमें वही रवैया, वही शरीयत, वही बातें, वही सीरत, उन्हीं को ही अपनाना है, वरना हम गुमराही के दलदल में ऐसे फंस जाएंगे कि खुदा की कसम कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। मत करो वो काम जिससे खुदा नाराज हो जाए, मत करो वो काम जिससे सैयदा नाराज हो जाए। अय्याम फातिमा के 20 दिन में हमने क्या सीखा, मजलिसों तक गई हमने क्या सीखा, यही कि बस मजलिस में जाना है, आपा की बातें सुननी है, तबरुक लेना है, सीढ़ी उतरते ही, स्टेप उतरते ही, दादरा उतरते ही बात खत्म, सब कुछ खत्म, सब भूल जाते हैं हम। क्यों भूल जाते हैं? हमारी मेमोरी तो इतनी शार्प होनी चाहिए, जिसके दिमाग में, दिल में अहले बैत बसते हो, उसे जमाने की बुराइयों से क्या लेना देना, उसे दुनिया के हसद से क्या लेना देना। हसद कर कर के तबीयत अपनी खराब होती है, दूसरा तो वैसे कि वैसे हेल्दी रहता है। क्यों कर रहे हैं हम ये कामें? क्यों हमारा वजूद उस बात पर एग्री नहीं है कि हम बुराइयों में मुलव्वस होने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि हमें जहरा की दुआ की वजह से खल्क किया गया है। और जो जहरा की दुआ हो, उसमें कोई तो ऐसी सिफत हो कि जिससे सैयदा राजी हो जाए। एक छोटी सी मिसाल दूं, आज मुझे खुदावंद करीम ने नेमत से महरूम रखा। रहमत दो है मेरे पास, दो बेटी है, नेमत नहीं दी, उसकी मर्जी, जिस हाल में रखे शुक्र है उसका। कितने तो ऐसे हैं कि जिसके पास वो भी नहीं है, एहसान उसका कि उसने दो बेटियों से नवाजा है हमें। और ऐसे भी सादात की नस्ल बेटी से चलती है, कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मैं दुआ मांग कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती रही, खुदा मुझे एक बेटा, खुदा मुझे एक बेटा, और अल्लाह ने बेटा दे दिया, इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा मवाली कि मुझे मार के बाहर निकाल दे, तो मैं क्या कहूंगी? इससे तो ना देता अल्लाह, ये दिन ना दिखाता मुझे, इससे तो बेहतर था ना देता अल्लाह। तो नहीं दे रहा था, मैंने जबरन मांगा तुझसे कि नहीं मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह हर हाल से वाकिफ है। तो अजीजम, अगर एक औरत दुआ मांग कर कुछ
कुछ मांगती है उसमें नफ्स निकल जाता है, तो हम बार बार कहते इससे तो अच्छा होता ना मिलता। तो जहरा की दुआ पे कभी गौर और फिक्र करिए कि शहजादी ने दुआ करके हमें खल्क करवाया है, महबूब मेरे हुसैन पे कौन रोएगा। अल्लाह ने कहा जहरा फिक्र क्यों करती हो, एक कौम को खल्क करूंगा जो कयामत तक तेरे हुसैन पर गिरिया करेगी। तो अजीजम जहरा की दुआ से पैदा हुआ बंदा, जहरा की दुआओं से पैदा हुए लोग, जहरा की दुआओं से पैदा हुए कौम को किस आलम में होना चाहिए, जरा तसव्वुर करें कि हम कहां हैं, क्या है हमारा वजूद, हम क्या कर रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं, आला हमारे वक्त का इमाम हमसे राजी है। हरगिज नहीं, कोई वजूद में हमारी अच्छाई नहीं। भाई इब्लीस से ज्यादा किसी ने नमाजें पढ़ी थी क्या, बताओ पढ़ी थी? नहीं। लेकिन एक गुनाह पर, एक सरकशी पर कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। तो अजीजम याद रखे वो गफूर रहीम तो है, उसके साथ कहार और जब्बार भी तो है, वो करीम तो है लेकिन जब्बार भी तो है, उसकी सिफत है। तो अजीजम वो काम न करे कि जो का सबब बने, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और सबसे पहली चीज, अगर इंसान अपने आप को बेहतरीन अमल की तरफ माइल करना चाहता है तो वो अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीख ले। ये जबान मोहब्बत भी दिलवाती है और ये जबान बेइज्जती भी करवाती है। तो याद रखें इस जबान को, इमाम ने भी फरमाया इस दरिंदे को खुला ना छोड़ो वरना ये तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। तो याद रखिएगा, अब आपने ये कह दिया कि जबान को कंट्रोल करें तो एक दूसरे पे कोई जुल्म कर रहा हो तो वहां भी ना बोलेंगे, ये भी नहीं है। हक बयानी करें, हक पर बोलें, जो सच है जो हकीकत है, चाहे अगर हमारा भाई भी किसी के साथ ना हक कर रहा है तो कहें कि आप ना हक हैं, क्योंकि सैयदा ने दर से हक दिया है दरबार में जाकर। बीबी ने उन लोगों के चेहरे से नकाब उतार दिया था जो ना हक मेंबर रसूल पर कब्जा करके बैठे हुए थे। बता रही थी जहरा कि मैं बागे फिदक के लिए नहीं बल्कि दिफाए विलायत अली के लिए दरबार में आई हूं, अगर हक पर हो तो कभी किसी की जात से न डरना, फकत खुदा की जात से। सलवात भेजे मोहम्मद। और मैं एक वाक्य आपके नजर कर रही हूं, किताब का नाम है बहतुल अहजान, शेख अब्बास पुन्नी की किताब। अजीजम वाक्य शुरू करने से पहले मुतवज्जे करना चाहूंगी उन लोगों को कि जिनकी जबान कभी ना कभी किसी सैयद को बुरा कह देती है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबेले। सादात को बुरा कहने वालों के लिए यह वाक्य आज पढ़ रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रही हूँ, किताब मेरे पास मौजूद है, बैतुल अहज़ान किताब का नाम है। अजीजम सैयदा राजी होती है उस इंसान से कि जो सादात की इज्जत करे, सादात के मर्तबे को समझे। और हम क्या करते हैं, अगर एक सादात गलती करता है ना तो हम कहते हैं आ सादात तो आमज हुए से। एक सैयद पर्टिकुलर कोई एक नाम लेके कहें आप, पूरे सादात को कहने का हक किसी ने किसी को नहीं दिया। हम खुद सादात होकर कभी सादात को बोलने के लिए सोचते हैं, खुद होकर सादात। अल्लाह हु अकबर, क्या मर्तबा है सैयदों का। रसूल की एक हदीस के साथ ये वाक्य आपके सामने पेश करूं। रसूल फरमाते हैं कि अगर चे जमाने के पहाड़ों के बराबर, अगर चे जमाने की खाक के बराबर, रेत के बराबर, अगर चे जमाने की दरिया के बराबर, अगर चे जमीन और आसमान के बराबर किसी शख्स का गुनाह होगा भी, तो मैं मोहम्मद वादा करता हूं मैं उसकी
की शफाअत करूंगा, मगर क्यों कि वो मेरे तादाद की इज्जत करे। अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद की इज्जत क्या है? और मेरी अजीज तरीन बहन, मैंने उनकी एक मजलिस सुनी भी थी बशीर आपा की, उन्होंने भी इस मौजू को उठाया था कि सादात की इज्जत क्या है और तैयब की इज्जत और मर्तबे को समझना क्यों चाहिए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शख्स था जिसका नाम था इब्ने उनैन, शायर था 7वीं सदी का। ये शायर था, इतना मोतबर शायर था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कलाम करने वाला। एक बार वो मक्के एक साल काबे की तवाफ को गया। जैसे ही मक्के के सफर करने के लिए निकला तो उनके पास बहुत सा मालो असबाब था, बहुत सारा मालो जर था। तारीख के जुमले हैं कि सादात बनी दाऊद, चौथे इमाम की नस्ल से एक नस्ल चली थी जिन जो उनके बेटे को शजरे के एतबार से उनको इमामत नहीं मिली थी, पांचवें मौला को मिल गई थी। सादात बनी दाऊद ने उस शख्स का जिसका नाम इब्ने उनैन था, जो शायर था, उसका सारा सामान लूट लिया। और लूटने के बाद उसे जख्मी कर दिया, और जख्मी करने के बाद भी कनात नहीं किया बल्कि उसके जिस्म से कपड़ा भी उतरवा लिया, और उतरवाने के बाद वहां से भाग गए। अब जो इब्ने उनैन था उसको बहुत जलाल आया कि कैसे सादात हैं, इन्होंने मुझे लूट लिया, और लूटने के बाद मेरे कपड़े भी उतरवा लिए, मुझे जख्मी कर दिया, तलवार मार दिया, नैजा मार दिया, एक्सेट्रा, जो भी उस जमाने में उनके पास होगा उसे जख्मी भी कर दिया। तारीख के जुमले हैं कि उसने एक मर्तबा इब्ने उनैन ने यमन के सुल्तान अजीज इब्ने अय्यूब को खत लिखा, और खत का जो मजमून था वो इस तरह था, क्या है अजीज इब्ने अय्यूब, तू हुकूमत पर बैठा हुआ है और तू क्यों नहीं इन सादातों की धरपकड़ करता है? और उसने और उसे राग़िब करने के लिए, यानी इब्ने अजीज इब्ने अय्यूब को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अपनी बातों में लेने के लिए, शायर था, बड़े प्यारे मकाम से बड़े अच्छे से उसको एक शेर के तौर पर लिखा। उसका जो खुलासा है मैं आपके सामने बयान कर रही हूं, वो कहता है कि जिसका खुलासा यह है कि वो कहता है कि आपकी नेक सिफत और आपकी सखावत ने फसी व बलीग अफराद को आजिज कर दिया है, और सखावत और बख्शिश में आप उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जहां अच्छाई और नेकी की तमाम सरहदें पीछे छू चुकी है। अगरचे आप बहुत अच्छे हुक्मरान हैं, तो आप मेरा एक काम करें, आप मेरा एक काम करें, और अगर आप जिहाद भी करना चाहते, जिहाद के भी ख्वाहिशमंद हैं, तो आइए अपनी तलवार से उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने खुदा के फर्ज को और नबी की सुन्नत को जाया कर दिया है, और अपनी तलवार से अल्लाह के घर को पस्त लोगों से, पस्त कौमों से पाक कर दो। आप ये ना कहें कि औलाद फातिमा है इसीलिए मैं उससे जंग नहीं करूंगा। इब्ने उनैन ने पूरा खत लिखा और लिखकर क्या कहा, ये ना सोचना कि ये औलाद फातिमा है, इनसे जंग नहीं करूंगा, बल्कि पस्त कौम है ये, नाउज़बिल्लाह, पस्त कौम है, पस्त लोग हैं, इन्हें आकर जिहाद करो, इन्हें कत्ल करो, और मक्का को पाक करो, सरजमीन मक्का को पाक करो। और उसके बाद वो कहता है कि अगर चे बल्कि इतने घटिया लोग हैं कि अगर ये बनी उमैया के दौर में भी होते तो ये इमाम हसन से भी जंग करते। यानी इतना इब्ने उनैन को जलाल आ गया था उसके असबाब के एवज, उसके सामान के लूटने के एवज, कि उसने ये भी कह दिया अगर ये बनी उमैया में हो, बने उमैया के दौर में होते तो ये इमाम हसन से भी जंग करते। कौन? बनी दाऊद, सादाते बनी दाऊद के बारे में कह रहा है कि अगर ये वहां होते तो भी ये जंग करते। अल्लाह अकबर। यानी अगर एक इंसान का दिल एक सैयद से दुख जाए, भाई उसे पकड़ के कह लो आपने गलत कहा है, या आपकी बात गलत थी, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो सादात हैं, उसे बताओ
कि वो किसकी औलाद है मगर मोहब्बत से। इमाम अली फरमाते हैं ना, अगर चे किसी की बुराई तुम्हारे हाथ में आए तो उसे दुनिया के सामने रुसवा जलील न करो, बल्कि उसे मोहब्बत से ऐसे उसके सामने उसकी बुराई को पेश करो जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को हदिया देता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। उनैन ने ये खत लिखकर सुल्तान यमन को भेज दिया और उसके बाद आलम ख्वाब में जो देखा, अल्लाहु अकबर। अजीजम, इसी मौजू को, ये पूरी बात को बताने के पीछे जो मेरा वजन था, जो निचोड़ मैं अब आपको देने जा रही हूं, बस ये कि शहजादी नाराज होती है अगरचे कोई सादात का दिल आपसे दुख जाए। और मैं एक छोटी सी और बात कहूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, हर उर्दू बोलने वाला या हर हिंदी बोलने वाला सैयद नहीं होता है, ये भी याद रखें। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, मलकापुर से जो कि अहले सुन्नत की औरतें हैं, जिन्हें हदियतन 25,000-30,000 में लोग शादी करके ले आते हैं, और जब वो कुछ करती हैं तो हमारे जैसी आपा को, जाकिर अहले बैत को पकड़ के साहिब खाना कहती, आपकी सैदानी। अल्लाहु अकबर, कहां वो सैयद है? हर उर्दू बोलने वाला, हर हिंदी बोलने वाला सैयद थोड़ी होता है। शिया के मजहब में बहुत से कौम हैं, बहुत से मजहब है, बहुत से फिरके हैं, जैसे कि आप खोजा हैं, मिर्जा होते हैं, खान होते हैं, शेख होते हैं, पठान होते हैं, बहुत सारे अदरवाइज होते हैं, लेकिन हर कोई आले रसूल थोड़ी है, हर कोई इमाम की औलाद थोड़ी है, हर कोई इमाम की औलाद नहीं हो सकता। तो अजीजा, हमें थोड़ा सा गौर फिक्र करने की जरूरत है। आप किसके साथ किसको जोड़ रहे हैं, जरा ये तो देखें, कहां आसमान कहां जमीन, बहुत फर्क होता है। कहां सादात, कहां औलाद जहरा, कहां औलाद रसूल, और कहां एक आम इंसान की औलाद। पूछने से पहले, बोलने से पहले तफव्वुर करें कि मैं किसको बोल रही हूं, आया ये सच है या नहीं, हकीकत है या नहीं। जब इब्ने अय्यूब ने इतना बड़ा खत लिखा कि तू तलवार उठा, इन बनी दाऊद के सादात को मार, और ये ना सोचना कि ये आले रसूल है मैं मार नहीं सकता, फातिमा के बच्चे हैं मार नहीं सकता, फातिमा की औलाद है मार नहीं सकता, ये नहीं सोचना। कर दे मक्का की सरजमीन को। तो उसके बाद जब वो सोता है तो ख्वाब में क्या देखता है, आलम ख्वाब में देखता है कि वो काबे के पास खड़ा है और बीबी जहरा, मतलब बीबी जहरा तवाफ कर रही है खाना काबा की। वो आगे बढ़ के कहता, बीबी सलाम अलैकुम। बीबी ने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया। जब जवाब न मिला तो मुंह मोड़ लिया सैयदा ने, तो उसने रो रो कर कहा, बीबी मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे बिनते मोहम्मद मुझसे नाराज है। अल्लाहु अकबर, जिससे बिनते मोहम्मद मुझसे नाराज है, किस वजह से आप मुझसे नाराज हैं, आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देती। बीबी ने कहा, हाशा वकिल्ला वकल्ला, यानी खुदा की कसम, अगर तमाम औलाद फातिमा पस व खराब हो जाए, जमाने की गर्दिशों ने हमने बुराई और मुक्कारी से पेश किया है। और अजीजम, अगर शहजादी फरमाती, जमाने की लोगों ने हमें मक्कारी से और तमाम चीजों से पेश किया है, लेकिन सादात तो सादात होते हैं ना, वो मेरी औलादे हैं, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम मेरी औलादों को बुरा कहो। अल्लाहु अकबर। जब सैयदा ने यह कहा तो शहजादी ने फिर इसके बाद दूसरा जुमला कहा, क्या अगर मेरी औलादों में से एक ने बुराई की है तो तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम सबको गाली बको, तुम सबको कहो कि ये गलत है, ये खराब है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अजीजम, एक ने किया है ना, तो एक की सजा एक को मिलनी चाहिए, ना कि तमाम सादात को। और तुम्हारा दिल कैसे करता है कि तुम लफ्ज सादात बोलकर गाली बको। अल्लाह अकबर। सादात
कहां से चल रहा है, मोहम्मद से, जहरा से, अली से, थोड़ा तो गौर फिक्र करना चाहिए ना कि हम किस तरह किसको बयान कर रहे, क्यों बयान कर रहे, क्यों सैयद की इज्जत नहीं है। अजीजन अगर एक सादात तुम्हारे दर पर आकर ये कहे कि मुझे इमाम जामिन का पैसा दे दो तो शायद मुसीबत ज्यादा है ना। क्यों नहीं आपने जाकर दिया, क्यों नहीं आपने उसका हक पहुंचा दिया, क्यों ये वक्त आया कि वो तुम्हारे दरवाजे तक आ गई, क्यों ये वक्त आ गया कि वो दरवाजे तक आ गया। अजीजा कोई तो ऐसी बात है। और खुदा ने भाई कितने लोग ऐसे पूछते हैं कि आपा सैयदों के पास पैसा क्यों नहीं होता है। मुझसे कई बार ये लोगों ने सवाल किया कि आपा सैयदों पे इतनी गुर्बत क्यों होती है। तो याद रखिएगा, खुदा ने हर इंसान को दो चीज से नवाजा है, या किसी को दौलत से, किसी को औलाद को औलाद से। और खुदा चाहता था औलाद जहरा इतनी हो कि कायनात में उनका मुकाबला कोई न कर सके। इसीलिए अल्लाह ने अगर दौलत नहीं दी है तो औलादे दी है जहरा की औलादों को। सलवात भेजो मोहम्मद। बीबी फरमाती है कि सबको गाली देने का हक नहीं था तुम्हें, तुमने क्यों गाली दिया। यानी इस बात से लगता है कि जहरा दिल शहजादी का दुख जाता है कोई सैयद को अगर बुरा कह दे। इससे पता चलता है कि बीबी हमसे नाराज हो जाती हैं। अजीजम ये तो सादात की बात है। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को बुरा कहे ना तो ये खुदा को पसंद नहीं आती अदा। तो याद रखिएगा, कोई भी काम करने से पहले इस बात पर गौर व फिक्र कर ले कि हम फातिमी हैं, हम शहजादी की चाहने वाली है। इस फेल से वो कहता है कि जब मैं आलम ख्वाब से बेदार हुआ, इस फेल से तौबा करके और उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी और कहा कि खुदावंद करीम तू मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने आले रसूल की तौहीन कर दी और आले रसूल की वजह से ही मुझे आज जमाने में नाम है मेरा और मैंने उनकी तौहीन कर दी। और उसके बाद वो कहता अल्लाह, शहजादी फरमाती है उसके बाद कि एक बात याद रखो तमाम वो लोग कि जो इस फेल से तौबा करके, अगर कोई हमसे बुरा फेल करके तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। यानी अगर से कोई सादात से बदतमीजी कर ली हो किसी ने तो वो उससे माफी मांग ले तो शहजादी कहती है हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शवाने के लिए। तो अजीजम कितना रहम दिल होता है सादातों का। शहजादी ने क्या मर्तबा बताया है कि अगर से कोई गुनाह भी हो जाए, किसी के लिए तुम्हारी जबान गलत कह भी चुकी हो तो आप यही बैठे बैठे माफी मांग लें, क्योंकि फर्शी आजाए फातिमी है, शहजादी जहरा की फर्शी आजाए माफी मांगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती किसने किस सादात का दिल दुखा हुआ है, क्या हुआ है। अभी अभी एक खातून दुनिया से रुखसत होने वाली थी, उसकी बेटी बिल्कुल हालत सकरात में थी। उसकी बेटी मेरे पास आई, कहने लगी आपा आप जरा मेरी माँ को माफ कर दें। मैंने कहा मैं क्यों माफ करूं भाई। कहा मेरी माँ ने मेरे सामने एक सैदानी को बड़ी ही बुरी तरह से झिड़का था और मुझे लगता है ये सकरात की वजह वही है। फिर मैंने वहां बैठ कर कहा क्या सादात आले मोहम्मद, औलाद तो सभी बराबर है, चाहे जैनुल आबिदीन की हो, चाहे सातवें इमाम की हो, चाहे आठवें इमाम की हो, चाहे दसवें इमाम की, चाहे नौवें इमाम की, कोई भी इमाम हो, सब एक ही नस्ल से है। मैंने वहां कहा खुदावंदे करीम इस बिचारी का ये दिन ये वक्त मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है, ऐसे तो इसने मुझसे बहुत नेकी की है, लेकिन अगर सही में किसी सादात का दिल इससे दुख गया है तो रहमान और रहीम तू माफ कर दे। विथ इन वन आवर वो दुनिया से रुखसत हो गई। महीने से जूझ रही थी, महीने से परेशान थी, लेकिन दुआ से विथ इन वन आवर खुदा ने उनकी मुसीबत को दूर किया। तो अजीजम याद रख के जहरा को राजी करने के लिए औलाद जहरा को भी राजी करें।
और कितनी बहनें यहाँ बैठी हैं जो मुझसे भी बहुत ज्यादा नेकी करती हैं, खुदा उनको जज़ा खैर दे। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो सादात उनके सामने से गुजर जाता है तो वो सलाम करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। अल्लाहु अकबर। आज मैं रसूल की एक हदीस आपके सामने बयान करूं, अगर कोई ये बंदा चाहता है ना कि उसके घर में इतनी रिस्क हो, इतना रिस्क हो कि कभी वो किसी का मोहताज ना हो, तो वो अपनी आदत में सलाम करने की आदत को ज्यादा रखे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो किसी को सलाम नहीं करते, ना अपने बुजुर्ग को, ना अपने छोटों को, ना किसी जाकिर अल बैत को, ना किसी आपा को, क्योंकि हमें क्या करना किसी को सलाम करने को। आई एम समथिंग, क्या आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं क्यों करूं किसी को सलाम। तो अजीजम, अगर किसी को सलाम किसी का चेहरा देख कर न करे तो ये जरूर सोच के करें कि मेरे रिस्क में उस्वत हो जाएगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और फिर शहजादी फरमाती है कि अल्लाह उसे माफ कर देता है और उनके जद की वजह से उनका एहतराम कर, और उनकी आल में से किसी को मत सता और किसी की तौहीन न कर, और आल रसूल की वजह से तुझे कोई भी तकलीफ पहुंचे ना तो उसका बदला कयामत के दिन हम तुझे देंगे। अल्लाहु अकबर। यानी सैयदा ने बता दिया कि अगर किसी का दिल किसी, देखो सादात भी ऐसे नहीं है कि इंसान नहीं है, बहुत से सादात ऐसे हैं जिनकी जबान को लगाम नहीं है, बहुत से सादात ऐसे हैं कि जो बुरे फैल में मुलविस है। मैं ये नहीं कहती कि सब सादात अच्छे नहीं, लेकिन अजीजम अगर के किसी का कोई अली के चाहने वाले का दिल कोई सैयद ने दुखा दिया हो ना, तो बीबी जहरा उसे अज्र देगी कयामत में, उसका सिला देगी। तुम पे वाजिब नहीं है कि तुम उसको दोबारा पलटा कर गाली बको या उसे गंदा कहो या उसे बुरा कहो, बल्कि सब्र कर लो, इस सब्र का नतीजा कयामत में मिलेगा। सलवात भेजे मोहम्मद। और इब्ने उनैन रोता हुआ खाब से उठा और वो कहता है कि मैंने महसूस किया बीबी की बरकत से मेरे जिस्म के तमाम जख्म भर चुके थे, मेरा जिस्म कहीं से भी जख्मों के निशान भी नहीं छोड़ रहा था, बल्कि हर तरफ से सलामती थी, खैर थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर मैंने इस ऐसे अशआर कहे कि ऐ बीबी, मैं आपकी हुजूर में माजरत चाहता हूँ जो गुनाहों को दरगुजर करती है, और मैं उस गुफ्तार से तौबा करता हूँ जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची है, और अगर औलाद फातिमा से कोई नैजे व तलवार से भी मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देगा तो मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। अल्लाहु अकबर। अजीजम, इस वाक्य से हमें क्या मिलता है, क्या सीखा हमने कि सैयदा अगर से कोई औलाद फातिमा पे जुल्म करे, कोई औलाद फातिमा को सताए, कोई औलाद फातिमा को बुरा कहे, तो सैयदा उससे नाराज हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, एक छोटी सी मिसाल देके रखते मसाइब की जानिब चलूं। मुझे बताओ, मेरी दो बेटी है, अगर एक बेटी के साथ आप में से कोई बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे, और दूसरी बेटी जब भी आपकी तरफ देखे तो आप उसे घूर कर देखे, उसे झिड़कियां दे दे, तो क्या नाज़िर आप एक्सेप्ट करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा जिगर है, मेरे बच्चे हैं। तो अजीजा याद रखिएगा, बीबी की औलादे हैं हम। अगर के कोई इंसान किसी मोमिन का भी दिल दुखाता है, अल्लाह कहता है मोमिन का दिल मिसल काबा है, तो एक आम मोमिन का दिल मिसल काबा हो सकता है, तो आले रसूल का दिल क्या। आओ हम बारगाहे शहजादी में तौबा करें। शहजादी, अगर कहीं आपकी औलाद को हमने बुरा कह दिया और आप हमसे नाराज हो ना शहजादी, तो आज के दिन हमें माफ कर दीजिएगा, आज हमें बख्श दीजिएगा बीबी, और हमें ये तौफीक दीजिएगा कि हम आपकी औलादों के साथ बदसलूकी न करें। अजीजम, सलामत रहो, शादो आबाद रहो। आखिरी मजलिस है मेरी, मैं शुक्रगुजार हूँ उन ख्वातीनों की कि जिसकी वजह से ये कदीमी मजलिसों में
मुझ नाचीज को भी बुलाया जाता है पढ़ने के लिए। मैं बानी मजलिस की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मखसूस एक मेरी आंटी है जिसे शायद मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, उन्हीं के बिना पर मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आती हूँ। अल्लाह उनकी भी तमाम दिली हाजात को भर लाए। अजीजम मुस्तकिल रो रही हैं आप, जहरा उनकी मुसीबतों पर कि जिनकी पसलियों को तोड़ दिया गया था, उनकी मुसीबत पर कि जिनके बच्चे को शिकन में मार दिया गया था, उनकी मुसीबत पर कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और कोई सहारा देने वाला न था और माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। अजादारों तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हैं। आज मैं आपने बहुत से आलिमों से तस्किरा सुना होगा जनाब सकीना में और जनाब जहरा के मसाइद में मुनासिबत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको वो रवायत पढ़कर सुनाने जा रही हूँ कि जो कोई रावी की रवायत नहीं है बल्कि एक रवायत मौला अली के जो तकलीफों की रवायत है वो है, लेकिन इस रवायत को मैंने खुद अपने दिमाग से सोचकर आपके सामने बयान करना है। एक दिमाग कहाँ तक इंसान का जा सकता है। तारीख के जुमले हैं कि जब फातिमा जहरा की पसलियां तोड़ दी गई थी ना, तो एक मरतबा बैतुल माल की काउंटिंग के लिए लोगों ने इकट्ठा होकर पैसा गिनना शुरू किया और ऐलान किया जिसका टैक्स बाकी हो वो आकर बैतुल माल का टैक्स दे दे। अजादारों इसमें मेरे मौला अली को भी बुलाया गया, इसमें मेरे मौला को भी बुलाया गया। तारीख के जुमले है, अली भी आकर बैठ गए। बैतुल माल का पैसा देने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। लगा वो भी आया जितने जहरा से जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया था, जितने जहरा के हाथ पर तलवार मारा था, जितने शहजादी से ताजियाना चलाया था, जितने कंफ्यूज अजादारों वो भी आ गया। उसने कहा कि ऐ बैतुल माल के हुकूमत के हुक्मरान, हमारा 20,000 का टैक्स बाकी है, हमसे ले लो। एक मरतबा जो कि बैठा हुआ था तख्त पर, उस मरदूद ने कहा, उस लानती ने कहा, जा तेरे टैक्स को माफ कर दिया जा, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। जब वो चला गया, जब तमाम लोग चले गए, मेरा मौला तड़पता था,
रोती हुई आंख, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करें,
मखसूस बानी मजलिस की तमाम दुआएं और जो लोग भी फर्श अज़ा पर बैठे हैं, बीबी जहरा यबन जहरा इमाम ज़मानों का वास्ताज, कोई भी खाली हाथ न पलटे, सबकी फरियाद सबकी दिली हाजा जो जायज है वो जरूर मकबूल हो जाए। अजीजम बस एक रवायत बीबी की और आपके सामने दुआ के लिए, सिर्फ वास्ता देने के लिए, क्योंकि मासूमीन फरमाते हैं कि जब कोई हमारी जद्द माजदा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता देता है ना, तो वो दुआ कभी रद्द नहीं करता है रब। तुझे उस वक्त का वास्ता जब जहरा बिछाते हैं, जो किसी भी हाल से जहरा की कमीजी में अपना शुमार करवाती हैं, खुदाया उन सब के गुनाह कबीरा सगीरा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा, हमारे मरहूमीन के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता तो हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे इमाम का जहूर फरमा। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।